गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, नमस्कार। टाइम्स ऑफ तरुण से मैं से हूं, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब यार लास्ट ब्लॉग जो था ना वो हमारा होली का, और आज उसको 25-26 दिन हो चुके हैं। हालांकि हम बीमार थे, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का सेकेंड जो चरण है वो बहुत खतरनाक है, और हम 15 दिन बीमार थे। हालांकि स्वस्थ हैं, अभी मस्त हैं एकदम। कोरोना नहीं था, वायरल फीवर था, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम, और बस बाकी स्वस्थ हो गए हैं। तो हम दोबारा से अपने कंटेंट पर काम कर रहे हैं। तो आज हम आए हुए हैं शिबू के साथ अपने खेत पर। तो आज का दिन जो है बढ़िया है, मूंग की बौनी हो चुकी है, गेहूं वगैरह कट चुके हैं, सब एकदम फ्री हैं। और अभी ट्रैक्टर लेने आए हैं, और इसके बाद हम जाएंगे खेत, अभी नहीं शाम को, दवाई छींचने के लिए। तो बढ़िया है यार, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, अपने सेहत का ध्यान रखें, वैक्सीन बहुत जरूरी है, लगवा लें। और ये आम, और ये पेड़, और इस वक्त जो है सीजन का हम पहला आम आने वाले हैं, हालांकि ये कैरी है अभी। और हाँ, ये ना एकदम मीठा मीठा आम है एकदम। कौन सा? कलमी आम, कलमी, कलमी है, मीठा है। और ये हमारा वाहन, बहुत समय बाद हम इसे चलाने वाले हैं दोबारा से। आज की बार हमने 1-2 महीने पहले इसको चलाया था बस, और अब फिर से आज दवाई खींचने जाएंगे, और इसको चलाने का अपना एक अलग मजा है। वो तो कछु बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है, मस्त है। और गाँव के अपने कुछ मजे होते हैं, अपने कुछ फायदे होते हैं, जो लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन गांव में बिल्कुल फ्री हैं, अपने खेत पर आ जा सकते हैं। और इससे जो आपका ध्यान इधर उधर लगा रहता है, और अपने घर में जो 24 इंच का डब्बा है टीवी, उसकी फालतू बातें देखने से दूर रहें, गांव में है तो घूमते रहें। आम का मजा ला भाई, गर्मी का मौसम, ये बरसी है जानवरों के लिए, हालांकि इसका काम हो चुका है। और ये मूंग में पहला पानी चलता हुआ, फिलहाल में भी लाइट है नहीं। और ये महुआ का पेड़ जिससे बनती देसी दारू। और ये ट्रैक्टर में कुछ समस्या इसको आई है, और वेल्डिंग करवा कर उसे हल किया जाएगा। वेल्डिंग का काम चलता हुआ, छुटुआ भाई सक्रियता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शिबू, तू महापुरुष। लॉकडाउन में जो दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, ये है छुटुआ की दुकान, पंचर की है और वेल्डिंग की है। एक नट टूट गया, उसकी वेल्डिंग कराने हम यहाँ पर आए हुए हैं। चला ले, चलाने की कोशिश तो करेंगे, तो एक बार नहीं चलाया, शुरुआत करने वाले हैं। मतलब इस बार स्टार्ट करोगे, और डीपी में सामने डीपी है, हाँ पेल दो, ऐसे कटा सकते हैं तो कोशिश तो करेंगे, वरना ये डीपी पे चढ़ेगा ही। और जाए ड्राइवर बनाने, मेरे ड्राइवर बनाने। 4 बजे हम पहुंच चुके हैं खेत,
और भोई दादाजी महाराज, और यहाँ पर आप ये स्थान पहले देख चुके हैं। एक बार मैंने वीडियो बनाई थी, हालांकि एक बार पहले उस समय बारिश का मौसम था और धान लगाई हुई थी उस टाइम पर, और इस टाइम पर मूंग लगाई है, तो इस वक्त दवाई छींचने का समय है। समय जो है बढ़िया है, शहर में लॉकडाउन में परेशान होने से बेहतर है कि आप गाँव में रहें। घूमने को मिलता है, खेत वगैरह आ जा सकते हैं, और काफ़ी सारे काम होते हैं, मतलब व्यस्त होता है आपका जीवन और सिटी की चकाचौंध भरी लाइफ से। एक ही कमरे में पूरे दिन पड़े रहना, मोबाइल चलाना, उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप गांव में यदि है ना, तो समय आपका कैसे ना कैसे कट जाता है। और हमारा कट रहा है छोटल भाई। फाइनली 2 घंटे के इंतजार के बाद और लाइट आई 6 बजे, 4 बजे हम आए, लाइट आई 6 बजे, पानी भरने के बाद टंकी में, और छिड़काव जो है दवाई का स्टार्ट हो चुका। आधे घंटे में यहाँ से फ्री हो जाएंगे और उसके बाद घर। और मौसम जो है एकदम मस्त है, शाम के 6:30 बज रहे हैं इस वक्त। मूंग का पहला डोज अभी फेंक रहा है। हाँ, कोरोना वैक्सीन लगवा लें पहली डोज की, ताकि सुरक्षित रहें और मस्त रहें। थोड़ी सी खराब हो गई है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा, एकदम वालों कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार। अब खेत में भाई काम तो लगा रहता है। ये जो शानदार मौसम आप देख रहे हैं ना, ये खूबसूरत नज़ारे तो ये ना आपको गांव में ही देखने को मिलते हैं। और इस वक्त सनसेट का टाइम है, और हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये इसका सिनेमेटिक अभी हमने बनाया है। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, शाम के 7 बज चुके हैं भाई, अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। दोबारा मुलाकात होगी कल, नहीं तो परसों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट करो, जाओ, गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ, स्टे सेफ, स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का बहुत बेकार समय चल रहा है यार।